हमारी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो ये ढेरी छाते हैं ये उधर जाते हैं। सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, मैं संदीप सिंह पखाड़ा, एसवी न्यूज सच्चा वाक्य। आज हम खड़े हैं नगर निगम हिसार में और हिसार में आज एक हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। क्या है वो हड़ताल, किस प्रकार है, क्या क्या मांगे लेकर के यहाँ पर हड़ताल की जा रही है, उस जानकारी के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं यहाँ पर नगर निगम के प्रधान और यहाँ कर्मचारी जो भी हैं उनसे बातचीत करेंगे। बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर सफाई कर्मचारी जो 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं और कुछ और डिपार्टमेंट है जो इसके साथ मिले हुए हैं, अभी उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या क्या मांगे लेकर के वो हड़ताल पर हैं और क्या उनकी सरकार से मांगे हैं। अभी हम खड़े हैं नगर निगम हिसार के अंदर और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कर्मचारी नेता, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या समस्याएं लेकर के आज वो हड़ताल पर बैठे। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? राजेश बागड़ी जी। सर क्या क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर के आज हड़ताल पर आप बैठे हैं? समस्या तो बहुत है लेकिन कुछ एक मुख्य बिंदु है हमारे, जैसे ठेका प्रथा खत्म कराना और समान काम का समान वेतन दिलाना और जो हमारे जो सरकारी कर्मचारियों को रिहायशी प्लाट मिलते थे रिहायशी प्लाट के बारे में भी है और बहुत सी ऐसी मांगे हैं जो सरकार ने हमें गुमराह करके रखा हुआ है। बोलते हैं मीडिया में तो ये आके बोल देते हैं, पत्रकार के माध्यम से भी बोल देते हैं, ये हमें लागू कर दिया वो लागू कर दिया, लेकिन धरातल पे कुछ ऐसा सरकार करने के मूड में नहीं है। हम बार बार बातचीत के माध्यम से सरकार से ये बताना चाहते हैं, हमारा कर्मचारियों का कोई प्रदेश की जनता से विरोध नहीं है, हम जनता को सुख सुविधाएं देना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें बरगलाने का काम करती है और हमें हड़ताल पे ले जाने पे मजबूर करती है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि किस वजह से ये सब सरकार कर रही है, क्या वजह है सरकार? सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। पीछे भी हमारी स्ट्राइक हुई थी, सरकार ने हमारी डिमांडें मांगी थी और ये भी सरकार ने आश्वासन दिया था मौखिक रूप से कि ठेका प्रथा बिल्कुल बंद कर दी जाएगी, लेकिन मजबूर होकर के अभी बताया कि पब्लिक के लिए हम कंधे टू कंधा मिलाकर, हम तो इनके सेवक हैं लेकिन मजबूरी में हमें स्ट्राइक के लिए उतरना पड़ता है। दूसरा ये कि कैशलेस सुविधा जो नगर निगम नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनको नहीं दी जा रही है, उन कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सभी सदस्यों को दी जाए कर्मचारी के साथ साथ, ऐसी हमारी मांग है जो कि सरकार के और डिपार्टमेंटों में लगभग लागू की जा चुकी है। तीसरा हमारा क्या है कि सभी डिपार्टमेंट्स के क्वार्टर्स होते हैं उनको प्लॉट अलॉट किए जाते हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि नगर निगम के कर्मचारियों के लिए आप हिसार की देखें तो कोई भी एक क्वार्टर मात्र भी किसी कर्मचारी के लिए नहीं है। हमें जो सरकारी क्वार्टर मिनी सेक्रेटरेट में वहाँ हमारे अधिकारियों को अलॉट किए जाते हैं, हमारी जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको वहाँ अलॉट भी नहीं किए जाते, ये हमारी मांग है। क्या क्या समस्याएं जो आपने समस्याएं बताई, अभी कौन कौन सी सेवाएं बाधित है यहाँ पर? सेवाएं एक सफाई व्यवस्था है पूरी तरह से हमने ठप की हुई है, इसके अलावा जो आम नागरिक का काम है आज वो पूरी तरह से प्रभावित रहेगा, इसके लिए हमें दुख भी है लेकिन हमारी मजबूरी भी है। डोमिसल है, जैसे पब्लिक चक्कर काटती है, मैरिज रजिस्ट्रेशन का काम है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, नक्शा जमा कराने की बात है, नक्शा पास करवाने की बात है, इसके अलावा आम जन की अन्य जो भी सुविधा नगर निगम द्वारा प्रदान की जाती हैं वो 3 दिन के लिए पूरी तरह से ठप रहेंगी। कुल मिलाकर कही जाए तो पूरा नगर निगम का कार्य बाधित रहेगा? हाँ जी, 101% जी 101% जी। सर जानना चाहेंगे कि अगर समय पर ये मांगे पूरी नहीं की तो आगे आप क्या करवाएंगे? आगे फिर हड़ताल जारी रहेगी जी। हाँ तो ये जो 3 दिवसीय हड़ताल है इसके बाद की क्या रूपरेखा और मुख्य रूप से रहेगी, क्योंकि अगर सरकार आश्वासन देती है, सिर्फ आश्वासन देती है या मांगों पर लिखित में आपको देती है, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम आश्वासन लेने के मूड में नहीं है जी। हमें आर पार का ठान रखा है और हम उसको पूरा करेंगे। अगर सरकार हमारे समझौते पे तुरंत ऐसे लागू करती है और हमें पोस्टिंग कॉपी देती है लिखित में देती है तो ही हम अपनी हड़ताल को विड्रा करेंगे, नहीं तो हम अनिश्चित हड़ताल करने पे मजबूर होंगे। हम 2 बार 4 बार समझौता कर चुके हैं, लेकिन टेबल पे तो समझौता हो जाता है लेकिन
धरातल पे कुछ भी सरकार हमें देने को राजी नहीं है। क्या कारण है कि धरातल पे काम नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सरकार हर बार कहती है कि हम कर्मचारियों के भले के लिए काम कर रहे हैं, कर्मचारियों की मांगे हम मान लेते हैं, अभी क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार ओवर कॉन्फिडेंस हो चुकी है। सरकार का विपक्ष नहीं होने के कारण एकमात्र सर्व कर्मचारी संघ ही है जो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, और ये मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होने के बावजूद ऐसा करने पे मजबूर है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, जब जब कर्मचारियों ने किसी सरकार को दमनकारी नीतियों के खिलाफ ललकारा है तो वो सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आई है। इस सरकार को हम चेताना चाहते हैं, समय रहते कर्मचारियों की मांगों का सही ढंग से निपटारा करें, अन्यथा हम इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने पे मजबूर होंगे। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कर्मचारी नेता, जिन्होंने बताया कि हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो ये हैं, और अगर इन मांगों पर कार्य नहीं होता है, सरकार हमें लिखित में नहीं देती है, तो हमारी हड़ताल जो अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगी, और जो सेवाएं जो हम यहाँ पर बाधित हो रही है वो लगातार बाधित होती रहेगी। मैं संदीप सिंह पखाड़ा, SV न्यूज़ से, धन्यवाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।